भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्ला वारसी पूर्व सांसद अपने चैनल जनयात्रा टीवी में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज राजनीतिक चर्चा करने के पहले मैं समस्त देशवासियों को चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर साउथ पोल पर सकुशल लैंडिंग के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और ख़ास तौर से इसरो के सभी वैज्ञानिकों को बधाई देता हूँ और अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खास तौर से बधाई देता हूं कि उन्होंने चंद्रयान 2 विफल होने पर वहां पर वैज्ञानिकों का हिम्मत बंधाई थी और उन्होंने कहा था कि हिम्मत करने वालों कभी हार नहीं होती और तुम लोग प्रयास करो जरूर सफल होगे। तो आज मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा दिन है जब हम दुनिया के पहले देश बन गए हैं जो हमने चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंडिंग सकुशल पूर्वक की है। इसके लिए आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज का हमारा राजनीतिक जो विषय है जिस पे हमें चर्चा करनी है वो है राहुल गांधी की राजनीतिक अरिपक्वता। साथियों आजकल राहुल गांधी को महिमा मंडित करने के लिए सारे मोदी विरोधी तथा कथित एंकर व जर्नलिस्ट सोशल मीडिया पर रात दिन लगे हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ कहावत है कि मूस मुटाई तो लोढ़ा होई और का हाथी घोड़ा होई। राहुल गांधी मोदी विरोध में कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं। यह राजनीति का एक हिस्सा तो हो सकता है परंतु जिस तरह से बेबुनियाद असत्यापित आरोप लगाते हैं वह उनकी राजनीतिक अल्पक्वता ही कही जाएगी। आखिर कब राहुल गांधी एक विवेकवान व परिपक्व नेता बनेंगे? श्री राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर भी बेतुके सवाल खड़े कर चुके हैं। अभी हाल ही में उन्होंने लद्दाख पर बयान दिया कि लद्दाख की जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है, जबकि पहले ही प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और गृह मंत्री जी ने बयान जारी कर साफ कर दिया है कि भारत की एक एक इंच जमीन सुरक्षित है। उनकी कार्यशैली में अभी भी बचकाना एवं गैर जिम्मेदाराना भाव ही झलकता है। अभी जब उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल हुई और वह लोकसभा में पहली बार आए तो जाते जाते फ्लाइंग किस करके लोगों को अपने बचकानेपन का नमूना पेश कर गए। राहुल गांधी अपने आधे अधूरे तथ्यहीन व विध्वंसात्मक बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं। हो सकता है कि यह उनकी सोची समझी रणनीति हो मीडिया में बने रहने की, लेकिन राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दों पर उनकी यह सोच अल्पक्वता का उद्योगक है। इस तरह दिए गए उनके बयान हास्यास्पद, उद्देश्यहीन व उच्छंगल होते हैं। राहुल गांधी ने पहले भी कहा था कि चीन ने भारत के जमीन पर कब्जा कर लिया। उन्हें शायद यह पता नहीं कि चीन की प्रशंसा करना देश हित में नहीं है। मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता होने के नाते उन्हें सत्ताधारी पार्टी के कार्यों की, उनकी नीतियों की आलोचना करना चाहिए। राजनीतिक रूप से यह उनका कर्तव्य भी बनता है, लेकिन चीन के साथ उनकी सहानुभूति कई प्रश्न खड़ा करती है। आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि आखिर राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से चंदा लेने की जरूरत क्यों पड़ी? गलवान घाटी के विवाद के बीच में चुपचाप चीनी राजदूत से क्यों मिले? वह यह भी नहीं बताते हैं कि उनकी 2008 की बीजिंग यात्रा के दौरान उन्होंने और सोनिया जी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता क्यों किया था। राहुल गांधी को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू के समय चीन ने जिस तरह से तिब्बत पर कब्जा कर लिया और फिर 1962 के युद्ध में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जपकर 45,000 किलोमीटर भारत माता की भूमि चीन ने हड़प ली। अब जब भारत मोदी जी के नेतृत्व में चीन की अतिक्रमणकारी और महत्वाकांक्षी रवैये के खिलाफ सीमा पर डटकर खड़ा है, तब राहुल गांधी देश के लिए हर क्षण समर्पित एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री व विश्व का नेता श्री मोदी के खिलाफ उनकी छवि को देश विदेश में खराब करने के लिए हर समय उठान बयान देने के लिए उतावले रहते हैं। श्री राहुल गांधी अंध मोदी विरोध में सारी मर्यादाओं को भूल जाते हैं। श्री राहुल गांधी यह बुनियादी बात नहीं समझ पाते हैं कि रक्षा और विदेश नीति के बारे में पक्ष विपक्ष की राजनीतिक सोच एक होनी चाहिए, नहीं तो राष्ट्रीय हितों को चोट पहुंचाती है। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश राहुल गांधी जैसे नेताओं की इन्हीं बातों को लेकर और हमलावर होते हैं। कुछ भी हो,
देश की जनता राहुल और मोदी जी के बीच के फर्क को साफ समझ रही है। राहुल जिस तरह से गलवान में हमारे सैनिकों की वीरता बलिदान पर सवाल उठा रहे हैं, इससे वह भारत की साख सुरक्षा और विकास पर बट्टा लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी ने अपने विकास और बदलाव की तस्वीर दुनिया के मंच पर रखकर भारत का मान बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मोदी जी ने भारत ही नहीं दुनिया की समस्याओं पर भी अपनी समाधानात्मक सोच रखी है। आज इसीलिए उन्हें विश्व नेता के रूप में स्वीकारता मिल रही है। कई देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया है। राहुल गांधी उनके रणनीतिकारों और विदेश में कांग्रेस संचालकों का नरेंद्र मोदी जी भाजपा व संघ परिवार के प्रति बैर भाव और विरोध की राजनीति समझ में आती है, पर देश की छवि खराब करने और मोदी जैसे कद्दावर नेता को खलनायक के रूप में पेश करने से उन्हें इज्जत नहीं मिलने वाली है। या तो ना समझी और राजनीतिक अपक्वता का शिखर है। लगता है कि राहुल गांधी मोदी जी का विरोध करते करते अब देश के विरोध पर उतर आए हैं। शायद राहुल गांधी का इस तरह का आचरण संकेत देता है कि उन्हें शासन संचालन व राजनीतिक परिपक्वता का अनुभव नहीं है। और कुछ हद तक श्रीमती सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी बिना कोई जिम्मेदारी लिए पर्दे के पीछे से ही सब कुछ करने में यकीन रखती हैं। कांग्रेस की मजबूरी यह है कि वह गांधी परिवार के बिना चल नहीं सकती है। कांग्रेसी नेताओं की भी मजबूरी है कि वह अपने नेता के बयानों को सच ठहराने के लिए वे भी सारी हदें पार कर देते हैं। पर सवाल यह खड़ा होता है कि शत्रु राष्ट्र से जुड़ी स्थितियों पर बोलते हुए वह मात्र विपक्षी दल के नेता होते हैं, क्या उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ऐसे मंचों पे उनको भारत के पक्ष में बोलना चाहिए, भारत का विरोध नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको भेज करके लाइक और सब्सक्राइब करा। हमें बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।